वाटर हीटर नहीं है, वो पानी हीटर है। कैरी ओके, कैरी और कैरी में फर्क बताओ। कैरी बोलती है कैरी बैग, कैरी मतलब आम होता है, कैरी मतलब कैरी मतलब आम होता है, पर मैंगो पीस भी तो आम होता है ना। बने हैं ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि मैं जा कहाँ रही हूँ, तो आप लोगों को बता दूँ मैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग देखे होंगे आप लोग, अखिलेश यादव हमारे अंबिकापुर में पहली बार आए थे कला केंद्र ग्राउंड की, आप लोग वीडियोस देखे। वहां से मैं जल्दी आ गई क्योंकि मुझे घर आना था जल्दी और सामान वगैरह पैकिंग करना था। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे इन लोग कहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं गाइस, कहां जा रहे हैं गाइस? अपने मंजिल की ओर। इन लोग जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर और मैं जाऊंगी अपने मंजिल की ओर, जो आप लोग को बताऊंगी मैं, तो वीडियो पता चलेगा। और मम्मी भी जा रही है, पूरा रेडी हो गई है, जा रहे हैं हम लोग अपने अपने घर। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मम्मी, दिशा, मेरा भाई जा रहे हैं, लोग गांव जा रहे हैं, गांव में त्योहार अभी खा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा गांव में खेती करने से पहले पूजा करते हैं देवी देवताओं की, उसी की पूजा हो रही है गांव पे। तो जा रहे हैं सभी कोई और मैं भी जा रही हूँ कहीं दूर दूसरे जगह पे। काफी दिनों बाद मिलिए हमारे जल परियों से। नरिता ज्यादा खाना कौन डाल दिया है? ये देखो इतना ज्यादा खाना, शाम को जाते समय दे देना। अरे इन लोग का रूम हीटर को तो निकाल दिया, पर अब पानी अब थोड़ी है, रूम हीटर का जरूरत है कि इन लोग को रूम हीटर? नहीं नहीं जरूरत है। कैसे गर्म है? रूम हीटर को निकाल, अब गर्मी आ गया। बाद में निकालेगा ना फोटो आके हम दे। दिशा कब आएगी फिर? संडे को। रूम हीटर है ये? वाटर हीटर? वाटर हीटर नहीं है, वो पानी हीटर है। कैरी कैरी और कैरी में फर्क बताओ। कैरी बोलती है कैरी बैग, कैरी मतलब आम होता है, कैरी मतलब कैरी मतलब आम होता है, पर मैंगो पीस भी तो आम होता है ना। मैंगो तो आम को ही। तो तुम लोग मेरा वीडियोस देखते रहना, ठीक है? ओके, हैप्पी जर्नी जहाँ भी जा रहे हो। और 26 और 27 तारीख को वीडियो कॉल कर सकती हो, लाइव दर्शन करा देंगे तुमको, ठीक है? अभी पहुंच तो जाए, वहां तक पहुंचेंगे फिर नहीं पहुंचेंगे। पहुंच जाएगी, कृपा है, कृपा रहेगी बाबा। बागेश्वर धाम की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। तो इन लोग की पैकिंग हो गई है, ये मेरे भाई का बैग है, मम्मी का बैग ये वाला है, दिशा का बैग है। ये एक क्या है? घर वाला वो कैरी बैग नहीं, कैरी बैग है वो। क्या बस घर वाला अपने घर जा रहे हैं तो क्या कपड़ा? नहीं ये कैरी बैग है, कैरी बैग। चलो निकलो जल्दी जल्दी, भागो भागो यहाँ से निकलो मेरे घर से। ये मेरा घर है, कंचन देवांगन का घर है। ए निकलो मेरे घर से जल्दी जल्दी। ए कहाँ अंदर घुस रही है, चल भाग यहाँ से। ए है दिशा की स्कूटी है, धूम मचाले। ये मेरा गाड़ी, ये भाई का गाड़ी। तो अच्छे से बंद कर लेना ना। जल्दी जल्दी चलो जल्दी निकलो निकलो, भागो यहाँ से। ए मेरा सॉक्स है वो, ये सब कुछ मेरा वियर कर दिए। देखो ये मेरा पहनी है, ये जीन्स भी शायद तक मेरा है, ये मेरा है। हाँ ये देखो सॉक्स भी मेरा पहन रही है और मेरा चश्मा भी लगाई है और मेरा बैग। बड़ी दीदी लोग को काम में का होता है, छोटी बहन लोग को देना ऐसा। ओए, कौन से भागवत कथा में लिखा है? ओए, कंचन कथा। ओए, पैसा वापस करना। कौन सा पैसा? अभी 500 दे थे उसका पैसा, वो मीठा भी नहीं लाई। 500 का देखो, हम अपन 300 का तुम्हारे में 310 का तेल डला दिए और 200 का चुटर पुटर इधर उधर हम खा गए। चुटर पुटर मैं कहाँ बोली थी, मैं लाने के लिए वो हटा ली गई। किक मारने से होता है गाड़ी चालू, तेरा किक मारो, कहाँ है किक इसका? इसका पैर जितना बड़ा तो इसका ये है, इसमें तो मैं चढ़ जाऊंगी। 1 2 3 चालू हो गया भाई, धूम मचा ले धूम। जा रहे हैं टाटा बाय बाय। तेरे को तो बोला था ना, क्या करूं देख, ऐसा दबा रहा आगे का जो कति गिर जावे नहीं। देख सही, ये देख पीछे पति खुलना है। अरे जा ना, पहुंच जाएगी बड़ा का। सो वो लोग चले गए गांव, घर में मैं अकेले, मैं भी निकल जाऊंगी नाइट में 9:30 तक निकल ही जाऊंगी। स्कूटी वहाँ छोड़ सकती थी लेकिन काफ़ी दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ तो स्कूटी वहाँ नहीं छोड़ सकती, तो पूरा अंदर रखना पड़ेगा। तो चलिए कुछ कुछ मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ, अपना अपना सामान दिखा देती हूँ। ये देखो ये
ट्रैवल वाला इसको लेकर आई थी मैं बैग को मुंबई से। टाइम हो रहा है अभी आप लोग देख सकते हैं 5 बजने वाला है और मैं बनाने जा रही हूँ अंडा का भुंजिया, है ना। और ये मेरा दलिया बनकर रेडी है, काफी दिनों बाद दलिया खा रही हूँ। खाना बनकर रेडी है, अंडा भुंजिया अचार और दलिया, काफी दिनों बाद दलिया खा रही हूँ मैं। गाइस अभी समय हो रहा है शाम के 7 बज गया है, एक दो सामान मेरा छूट गया था, नहीं ले पाई थी मैं मार्केट में, तो अभी वही जा रही हूँ लेने के लिए, याद आया तो। उसके बाद मेरी ट्रेन 10:30 बजे की है अंबिकापुर से दुर्ग, तो मुझे उतरना है उसलापुर में 6 बजे। गाइस फाइनली घर आ गई हूँ मैं। ये फेस वॉश लेना था, कुछ मेडिसिन लेना था। फेस वॉश जो मैं लगाती हूँ वो नहीं मिला, तो दूसरा लेकर आ रही हूँ। मतलब लगाती हूँ वही हूँ जो लेकर आई हूँ, लेकिन फ्लेवर अलग है। ये देखो मेरा लगेज इतना बड़ा और इतना वजन है, इसको मैं उठा ही नहीं पा रही हूँ। ये देखो इतना वजन है। देखो अभी मैं सोच रही हूँ एक दो कपड़े कम कर दूँ क्या, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और एक इधर इसमें इससे भी भारी इसमें है, इसमें तो पूरा खाने का सामान है। ये देखो कैसे लेकर जाऊँगी, देखो इतना वजन है। हाँ प्री हूँ मैं, ये भगवान खाने का इतना ध्यान। जब मैं मुंबई गई थी उस समय भी लेकर गई थी, काफी ज्यादा सामान ले गई थी, उस समय तो ट्रॉली लेकर गई थी। तो अभी खाली कर दी हूँ, एक ड्रेस को सिर्फ निकाली हूँ, है कुछ नहीं है। देखो ये रेनकोट है, ये छाता है और ये एक ही जैकेट लेकर जा रही हूँ। इतना ज्यादा कैसे हो जाता है समझ नहीं आता है। ये वाला बैग मुंबई से ली थी, 120 लीटर का है, मतलब 120 किलो इसमें शायद तक, नहीं लीटर है शायद तक, 120 लीटर इसमें आप लोग डाल सकते हैं। और पूरा सामान इसमें है, पूरा कपड़ा मेरा ऊपर में कपड़ा, और इधर जो आप लोग देख रहे हैं ट्रॉली बैग सब में कपड़ा ही है। टाइम हो रहा है अभी 8:30 और गाड़ी को अंदर रख दी हूँ। और आंधी तूफान अभी ये हो रहा है मेरे को कि अभी चले जाऊँ, बीच में मौसम खराब ना हो जाए, तो छोड़ने के लिए एक दो लोग को बुलाई हूँ। उन लोग मार्केट में हैं, फंस गए हैं, अड़ोसी पड़ोसी को बोल रही हूँ, तो जो सामने वाली जो हैं उन लोग अभी चले गए हैं दूसरे जगह। टाइम हो रहा है 9:30 और स्टेशन आ गई हूँ मैं। मेरा बोगी S8 में है, 35 नंबर कहाँ है, 30। अंबिकापुर से उसलापुर। तो गाइस फाइनली मैं जाने वाली हूँ, आप लोग वीडियो के एंड तक बने हैं ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ मैं जा रही हूँ बाबा की नगरी केदारनाथ धाम। और बचपन से हम लोग टीवी में, न्यूज़ में, वीडियोस में देखा करते थे, रील्स पे देखा करते हैं आजकल केदारनाथ केदारनाथ केदारनाथ, तो वहीं जा रही हूँ। और अभी पता चल रहा है वहाँ बहुत स्नोफॉल हो रहा है, पूरा ब्लॉक हो गया है रास्ता, लेकिन देखते हैं। और हरिद्वार में मैं पहुँच जाऊँगी, मैं 22 तारीख को हरिद्वार, तो हरिद्वार में 22, 23, 24 हरिद्वार पे, फिर 25, 26, 27, 28 केदारनाथ में, और 29, 30 वापसी, 1 को बिलासपुर, 2 मई को मैं अंबिकापुर में रहूँगी। तो सारे डिटेल्स आप लोगों को बता दी हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ केदारनाथ। और आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसे ही बना रहे तो और भी जगह जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सनातन धर्म का सबसे पवित्र जगह है वो, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है केदारनाथ को। तो अभी जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, तो मैं केदारनाथ के दर्शन करने, एक बनारस में भी है काशी विश्वनाथ, तो वहाँ के भी दर्शन कर ली हूँ मैं। तो मुझे लगता है ये मेरा 12 ज्योतिर्लिंग में ये दूसरा ज्योतिर्लिंग की मैं दर्शन करने वाली हूँ। धीरे धीरे आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो ऐसे ही मैं पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लूँगी और पवित्र हो जाऊँगी। बस अभी लैंड करेंगे मॉर्निंग में उसलापुर में 6 बजे, वहाँ एक दीदी लेने आएंगी मुझे, खाने वाली दीदी, उनका इंस्टाग्राम चैनल का नाम है लेकिन उनका रियल नाम है प्रियंका सिंह, तो वो मुझे रिसीव करेंगी, उनके घर स्टे करूंगी। कल 2 बजे मेरी ट्रेन है बिलासपुर से हरिद्वार के लिए, तो वीडियो को अभी यहीं तक रखेंगे, नहीं मॉर्निंग में एंड करूंगी वीडियो को। ट्रेन चल पड़ी है दोस्तों, हो गया है 6:00
तो 5:45 में ही ट्रेन पहुंचा दिया था आज काफी जल्दी। हे गाइस, आज की वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। मैं अपनी प्रियंका दीदी के यहाँ, उनके यहाँ पर आके सो गई थी, मुझे रिसीव करने आई थी रेलवे स्टेशन, और समय हो रहा है 10:20 और हमारी ट्रेन है 3:30 करीबन ऐसे आज ही। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हमें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ जानना होगा तो लिंक इंस्टाग्राम में कर दूँ, इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा। तो वीडियो को यहीं तक, इसके बाद न्यू ब्लॉग अभी स्टार्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।